नमस्ते, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं thelallantop.com। IPL 2019 के लिए जब खिलाड़ियों की मंडी सजी तो दो नाम बड़े चर्चा में रहे, एक पंजाबी पुत्र युवराज सिंह और दूसरा जिसे पंजाब ने खरीदा वरुण चक्रवर्ती। युवराज इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला और वरुण चक्रवर्ती इसलिए क्योंकि वो सबसे महंगे बिके। मगर क्या पहले कभी आपने वरुण चक्रवर्ती का नाम सुना है? नहीं सुना होगा क्योंकि ये खिलाड़ी एकदम फ्रेश है, एकदम नया है। 20 लाख के बेस प्राइस वाले वरुण को किंग्स इलेवन पंजाब ने 8.4 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा और सबको चौंका दिया। इस सीजन वरुण चक्रवर्ती और जयदेव उनाडकट सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। उनाडकट को सब जानते हैं मगर वरुण की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। तमिलनाडु के वरुण ने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और 17 साल की उम्र तक विकेट कीपिंग की यानी बतौर विकेट कीपर क्रिकेट खेली। मगर जब एज ग्रुप में जो अलग अलग एज ग्रुप की क्रिकेट होती है जैसे अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16, उसमें उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले तो उधर परिवार का भी दबाव था और खुद भी क्रिकेट में उतना ध्यान नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो सोचा क्यों ना क्रिकेट छोड़ दूं और कुछ और कर लूं। फिर पढ़ाई में मन लगाया और आर्किटेक्चर में 5 साल की डिग्री कर ली और फिर फ्रीलांस आर्किटेक्ट काम करने लगे। फिर नौकरी भी लग गई मगर क्रिकेट कहीं ना कहीं अंदर कुलबुला रहा था। वीकेंड में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट खेलना शौकिया था क्योंकि वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे थे। फिर क्रिकेट में वापस इतना रमने लगे कि नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। वरुण ने कॉम्बेस क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया और वहाँ बतौर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलने लगे। मगर जब घुटने में चोट लगी तो काफ़ी वक्त तक खेलने का मौका नहीं मिला तो फिर सोचा स्पिनर बन जाऊँ। यहाँ टेनिस बॉल से 18 गज की पट्टी में वो गेंदबाजी करने लगे और ऐसे में वरुण ने अपनी स्पिन में वो वेरिएशन पैदा कर ली जिससे क्रिकेट सर्किट में वरुण को मिस्ट्री स्पिनर के नाम से जाना जाने लगा। इनके जो स्पिन है उसमें ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉप स्पिनर और स्लाइडर जैसे हथियार इन्होंने अपनी गेंदबाजी में जोड़ लिए और इसी के बूते 2017-18 में सिर्फ 7 मैचों में वरुण ने 8.26 के औसत से 31 विकेट ले लिए। फिर वो मौका आया जिसका वरुण को इंतजार था। 27 साल के वरुण को तमिलनाडु प्रीमियर लीग में शिचम मदुरई पैंथर्स के लिए खेलने का मौका मिला। ये वो टीम है जिसने इस साल टाइटल भी जीता। मदुरई की इस टीम के लिए खेलते हुए वरुण ने पावर प्ले और स्लो ओवर्स में घातक गेंदबाजी की और टीम को फाइनल में भी जितवा दिया। फाइनल में वरुण ने 16 रन देकर 3 विकेट लिए और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी कमेंट्री कर रहे थे जिन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती अलग तरह का एक दुर्लभ टैलेंट है। बीते साल ही वरुण को चेन्नई सुपर किंग्स और KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के नेट्स में बतौर नेट्स बॉलर बुलाया गया। वहाँ पे उन्होंने खूब बॉलिंग की और एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे मिली सफलता के बाद वरुण को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु की 50 ओवरों की टीम में भी खेलने का मौका मिला जहां स्पिनर ने 4.23 की इकोनॉमी से 9 मैचों में 22 विकेट ले लिए। इसी से तमिलनाडु की रणजी टीम का दरवाजा भी वरुण चक्रवर्ती के लिए खुल गया। एक फेल क्रिकेटर से सबसे महंगे क्रिकेटर बनने का सफ़र वरुण की कमिटमेंट का नतीजा है जो उन्होंने क्रिकेट को लेकर दिखाई। साथ ही IPL में एक और उदाहरण हमारे सामने मिल गया जिसने करोड़ों कमा लिए। उम्मीद कीजिए कि ये खिलाड़ी किंग्स इलेवन पंजाब को भी टाइटल जीतने की ओर ले जाएगा और इस फ्रेंचाइज का पैसा भी वसूल हो जाएगा। क्रिकेट और खेल से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए thelallantop.com। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।